हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी 5 तक के क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के देखेंगे, ठीक है ना। तो और एक बात और ध्यान रहे कि कुछ बच्चे तेज हैं, उनको ये सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे कमजोर बच्चों को भी तो पढ़ाना हमारा कार्य है, ठीक है। तो हम चाहते हैं सबका सब लोग एक साथ चले, इसी वजह से मैं सारी वीडियोस हर एक क्वेश्चन का वीडियो मैं बना करके डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि x²-4x-12=0 वेर एक्स बिलोंग्स टू यन, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ x²-4x-12=0, जहाँ से x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से। तो क्या करेंगे, a इंटू सी, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 12 हो जाएगा -12। तो क्या करेंगे, सिर्फ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा, ये हमें 4 चाहिए ना, तो क्या लेते हैं 3 2 6 और 2 ले लेते हैं, देखिए तो ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 2 12 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब x²-6x+2x-12=0, समझ में आ रहा ना अभी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा x-6, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा x-6। देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है ना, मतलब सही जा रहे हैं। तो x-6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x+2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू यहाँ 6 मिल जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x=-2 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा ना, मैं डायरेक्टली यहाँ कर दिया हूँ, 0 प्रोडक्ट रूल आप लगा लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसको एक बार 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमसे कहा गया है कि x belongs to n, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 इज द आंसर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हाँ का फर्स्ट, ठीक है, क्या है, 2x²-9x+10 = 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, a इंटू सी, यानी 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। 20 को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, 9 चाहिए, तो इसको -5 ले लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 आएगा, लेकिन मैं -4 लेता हूँ, -5 -4 -9 हो जाएगा, -×-+ हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी ये भी कम बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x²-5x-4x-10+10=0। क्या चाहिए, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से सिर्फ x कॉमन होगा तो बचेगा 2x-5, ठीक है, और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा 2x-5, समझ आ रहा है ना। मैंने -2 कॉमन निकाला, यहाँ से -2 निकालूंगा और यहाँ से भी -2 निकालूंगा, तो मैंने बताया आपको कि प्लस जो होता है -×- से बना होता है, ये माइनस प्लस के अंदर से बाहर हो जाएगा तो एक माइनस यहाँ बच जाएगा, इस प्लस से एक माइनस बाहर निकालिए ये वाला, तो एक माइनस यहाँ बच जाएगा, ठीक है, =0। तो ये हो जाएगा 2x, देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, तो सही जा रहे हैं, लो 2x-5, और क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, तो दूसरी ब्रैकेट में जाएगा x-2=0, फिर 0 प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 2x-5=0, x-2=0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x=5/2 और यहाँ से हो जाएगा x=2, ठीक है, निकल के आ गया। क्वेश्चन पूछा गया, पहले अगर x की वैल्यू नेचुरल नंबर होता तो आंसर क्या आता, तो पहला आंसर जो तुम्हारे आता भाई देखो क्या आता, वो 2 आता, ठीक है, और दूसरा होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर पूछा जाता तो देखो भाई होल नंबर में यही नहीं आएगा, तो होल नंबर में क्या आएगा, यही आएगा 5/2, 7 का आंसर ना, तो पहला वाला का 2 आ गया, ठीक है, हाँ पहले वाले का तो 2 होगा, और दूसरे के लिए क्या पूछा जा रहा है, होल नंबर, राइट ना, ठीक है। तो होल नंबर में क्या क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5, 2.5 होल नंबर में नहीं होता है, तो दूसरे के लिए भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 8 के फर्स्ट में, ठीक है ना, 8 के फर्स्ट में दिया हुआ है a² x² +
टू ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो क्यों समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ए नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ ए जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा इसीलिए। चलिए अब क्या करेंगे, ए इंटू सी तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए और ये सी तो ए स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, ए को ब्रेक करेंगे किस में, किस में, ए और ए में, ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा और ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों काम बन जाएगा। देखिए यार टू ए चाहिए भी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स। इस टू ए को क्या करेंगे एक्स में और ए एक्स में तोड़ देंगे, यहाँ वन इक्वल टू जीरो, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से ए एक्स कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा ए एक्स और बचेगा यहाँ। ठीक है ना, दो दो है ना तो एक एक बाहर हो गया तो एक एक बच जाएगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो वन, ये पूरा बाहर चला गया तो कुछ नहीं तो वन बच जाएगा, प्लस यहाँ से कुछ भी बाहर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि देखो ए एक्स प्लस वन चाहिए यहाँ, वही है भी तो कुछ नहीं बाहर निकलने लायक है तो कुछ नहीं तो सिर्फ वन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ ये दोनों सेम आ रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन बचेगा, दोनों सेम ही है तो आंसर क्या आएगा एक्स की वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं एक बार, ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई ए, यही आएगा। दूसरा वाला भी जो x होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगा, माइनस वन बाई ए ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोनों का आंसर निकल आएगा। ठीक, दो रूट्स आ गए x के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। 8 के सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस को अंदर या यहीं से ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर, ये पूरा बी मानिए, ये पूरा सी मानिए, तो हम क्या करेंगे बीच वाले को दो पार्ट में ब्रेक करना है ना, तो देखिए प्लस में दिया है पी प्लस क्यू तो ये पी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस के साथ क्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, तो देखिए एक होगा माइनस पी एक्स, माइनस पी आएगा और एक माइनस क्यू आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, यानी ए इंटू सी के बराबर, ए की जगह पर क्या है वन और सी की जगह पर क्या है क्यू पी क्यू, तो ये हो जाएगा वन इंटू पी क्यू, यानी क्या आ जाएगा पी क्यू, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा पी क्यू आ जाएगा, और इन दोनों को अलग अलग यानी ऐड भी करेंगे तो यही आएगा, देखिए माइनस बाहर निकालेंगे तो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आसान होता है थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से तो सिर्फ x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस पी, यहाँ से आप दोनों में से माइनस क्यू बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से माइनस तो ठीक है x बच जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा तो एक और माइनस बच जाएगा। ठीक है, p बचेगा, q तो बाहर चला गया ना जीरो, देखिए दोनों सेम आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस पी दूसरे ब्रैकेट में x माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस पी इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू पी, यहाँ एक्स इक्वल टू क्यू, ये दो रूट्स आ गए तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर किया ना, देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी को, तो ए के जगह पर क्या दिया ए स्क्वायर, सी के जगह पर क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे किस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पे वही तो दिया है, मतलब बस सिंपली एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर एक्स बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर तो पूरा चला गया, दो एक्स में से एक एक्स बाहर है तो एक एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो वन मान लेते हैं। ठीक है ना, प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लेता हूँ एक्स प्लस वन बचेगा, ये बी स्क्वायर पूरा बाहर चला गया कुछ नहीं तो वन बचता है, चलो ये दोनों सेम आ रहा है मतलब सही जा रहे हैं लोग, एक्स प्लस वन इन ब्रैकेट क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक बार ए स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन, सही है। यहाँ देख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर भेज दूँ ना उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर को उधर भेज दो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो समझ में आ रही है ना, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ जाके आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिया गया है, तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ये दिया गया ना। देखिए चलिए अब क्या करते हैं, जरा इसको a इंटू सी करते हैं ना, ए इंटू सी। ए इंटू सी क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए है और सी की वैल्यू क्या है 7√3, तो 7 तो ठीक है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा सिंपली 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 3 = 21, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं ना, 7 3 में तो ब्रेक कर सकते हैं इस 10 को। देखिए तो 7 + 3 = 10 हो जाएगा और 7 × 3 = 21, तो दोनों काम यही हो जाएगा, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो रूट थ्री इसमें से कुछ कॉमन निकालना हम लोग को, और फिर सॉरी 10 को हमने ब्रेक नहीं किया, ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। चलो अब क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, यहाँ से तो सिर्फ दिख रहा है x ही हो पाएगा, तो x ही निकाल लेते हैं, रूट थ्री एक्स बच जाएगा, रूट थ्री एक्स बच जाएगा प्लस प्लस, और क्या बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 7। उसके बाद से यहाँ से क्या निकल सकता है, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इसमें से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट थ्री एक्स है ना प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 0। देखो ये दोनों सेम आ रहा है ना, मतलब सही जा रहे हैं लोग, तो रूट थ्री एक्स प्लस 7 बाहर कर दूँ तो क्या बचेगा एक्स प्लस रूट थ्री बचेगा इक्वल टू 0। एक बार रूट थ्री एक्स प्लस 7 को 0 के बराबर, एक बार एक्स प्लस रूट थ्री को, तो यहाँ से 7 को उधर भेजिए तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, रूट थ्री को उधर भेजो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 बाई रूट थ्री। अच्छा इसको उधर भेजो एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा ना, तो ये आ गया वैल्यू। अच्छा हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट थ्री नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे रूट थ्री को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 बाई रूट थ्री, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 7 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री नीचे इंटू रूट थ्री ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे रूट नहीं रखा जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 7√3 और नीचे हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री सिंपली 3, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये तो सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड में दिया हुआ है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 5 को दो पार्ट में ब्रेक करना है ना, तो a और c को मल्टीप्लाई करिए, तो 4√3 इंटू माइनस 2√3, ये 4 और माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, 8 3 जा माइनस 24, माइनस 24 को क्या करते हैं हम लोग, जरा प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसके फैक्टर्स पता करने के लिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, बी के जगह पर, बी के जगह पर 5 चाहिए, तो ये 2 2 = 4, 4 2 = 8 और ये 3, देखो तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 8 3 = 24, यानी इसको प्लस रख लें, इसको माइनस रख लें, प्लस क्यों बड़े वाले को, क्योंकि यहाँ हमें प्लस चाहिए, तो प्लस और ये माइनस, 8 × −3 − 24 दोनों काम बन जाएगा, हो जाएगा 4√3 x² + 8x − 3x − 2√3 = 0। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन, फिर इसमें से कुछ कॉमन, देखो भाई यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अच्छा एक x भी बाहर हो जाएगा, इन दोनों में x भी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचेगा, रूट थ्री एक्स प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 2 बचेगा, बचेगा ना, देखो तो इस तरीके से यहाँ माइनस 3, इसको रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं ना 3 को, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से रूट थ्री बाहर हो जाएगा और एक रूट थ्री अंदर बच जाएगा और माइनस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। देखो ये दोनों यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ प्लस बचेगा, अब दोनों सेम है ना, ठीक है। चलो रूट थ्री एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 4x − √3 इक्वल टू 0, इसको एक बार 0, रूट थ्री एक्स प्लस 2 को एक बार 0, 4x − √3 को 0। अब देखो तो इसको 0 के बराबर जब करेंगे तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, रूट थ्री को उधर भेजो एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3, 4x = √3, 4 को उधर भेजो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4, ठीक है।
तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो रूट थ्री नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री को रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री। तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया जाएगा और बाकी के क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।